हे गाइस, तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी के लिए। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लेकर आ रही हूँ वो है पनीर टिक्का सैंडविच। और ये जो सैंडविच है इसे देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। और गाइस, क्या आप जानते हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है और जब इसको खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं तंदूरी मसाला। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच सूखी हुई मिंट की लीफ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 2 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच ही डालेंगे चिल्ली पाउडर, 2 चम्मच काला नमक, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, और इन सब को डालकर अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो गाइज़, ये जो मसाला है काफ़ी अच्छा होता है और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे सैंडविच बनाने का तो आप बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, इसको डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और लीजिए गाइज़, हमारा जो तंदूरी मसाला है वो बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना आसान है इसको बनाना। अब मैं इसको स्टोर कर रही हूँ एक जार में, तो आप भी आराम से इसको स्टोर कर सकते हैं और 1 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बनाते हैं चटपटी ग्रीन चटनी। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा धनिया, और धनिए के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से गार्लिक, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने डाली है मिंट की लीफ, थोड़ी मैंने डाली है ग्रीन चिली, अपने टेस्ट के अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा रो मैंगो, अगर नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला है नमक अपने टेस्ट के अनुसार, और थोड़ी सी इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच दही और थोड़ा सा पानी, और इन सब को डालकर हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। लीजिए गाइस, चटपटी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है, जिससे कि सैंडविच का टेस्ट अलग ही आता है। तो बस अब हमको सैंडविच को करना है रेडी। तो गाइस, यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड स्लाइस, तो ब्राउन या वाइट आप जो भी ब्रेड खाते हो ले सकते हैं। उसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से बटर, और बटर लगाने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे हरी चटनी जो कि हमने बनाकर तैयार की थी। हरी और तीखी चटनी जो है इस सैंडविच को एकदम चटपटा और टेस्टी टेस्ट देती है, तो इस पर आप अच्छे से लगा लीजिए। अब लगाएंगे हम पनीर के पीसेस, तो पनीर को आप क्यूब पीसेस में कट कर लीजिए, जैसे कि पनीर टिक्का के लिए कट करते हैं। और वैसे ही हमें कट करना है पनीर के साथ शिमला मिर्च और ऑनियन के स्लाइसेस। तो एक साइड आप शिमला मिर्च लगा लीजिए और एक तरफ हम लगाएंगे ऑनियन के पीसेस। तो देखिए, इस तरह से इसको लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे तंदूरी मसाला जो कि हमने बनाकर तैयार किया था। अच्छे से इसके ऊपर डाल लीजिए, और अब हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो अगर आप चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए। और मोज़रेला चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे अमूल क्यूब चीज़ जो आता है, उसको स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे सेलरी लीफ, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोरिएंडर लीफ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डाल लीजिए, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे ओरिगैनो। और इन सब को डालने के बाद लास्ट में फिर से हम थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि चीज़ जो है सैंडविच को एकदम रिच टेस्ट देता है। तो लीजिए गाइस, हमारे जो सैंडविच हैं वो रेडी हो चुके हैं, बस अब हमें इनको करना है बेक। तो बेक करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक तवा, उस पर डालेंगे बटर और उसको अच्छे से हीट अप कर लेंगे। और जब बटर अच्छे से हीट हो जाए तब हम सैंडविच को रखेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हमें 3 से 4 मिनट के लिए बेक करना है। तो इसको आप कवर कर दीजिए, और ध्यान रखिए जो फ्लेम है वो आपकी लो टू मीडियम रहनी चाहिए। तो लीजिए गाइस, हमारा जो सैंडविच है एकदम मस्त लग रहा है और बनकर तैयार हो चुका है खाने के लिए। तो चलिए गाइस, अब सैंडविच को करते हैं प्लेट। तो हम यहाँ पर इसको 4 पीसेस में कट कर लेंगे, और देखिए गाइस, चीज़ का आप देखिए लुक कितना गज़ब का आ रहा है, और बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। तो गाइस, आपने देखा इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और एकदम नए तरह का सैंडविच है, स्ट्रीट फूड में बड़ा फेमस है ये पनीर टिक्का सैंडविच। तो आप इसको एक बार घर पर ज़रूर बनाइए, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो गाइस, रेसिपी अगर पसंद आई है तो चैनल डाइटिशियन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए गाइस, एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।